भाजपा नेता ने ऑफिस में घुसकर की पत्रकार से मारपीट, पुलिस ने उल्टा पत्रकार पर ही दर्ज किया मुकदमा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल मामला कुछ यूं है कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता विजेंद्र राणा ने होटल में घुसकर मारपीट की थी और पत्रकार ने उसका वीडियो न्यूज के रूप में चलवा दिया था। इससे नेताजी इतने नाराज हुए कि पहले तो पत्रकार मोहनीश वर्मा को फोन पर धमकाया और इससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो आईबीसी 24 के उनके दफ्तर में पहुँच गए। दफ्तर में मार पिटाई का वीडियो तो आप देख ही लेंगे, लेकिन ये भी देखें कि नेताजी थप्पड़ आदि चलाने के बाद बाहर से एक बड़ा पत्थर हाथ में लिए दफ्तर में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद तोड़फोड़ हुई, वीडियो बस इतने पर ही खत्म हो जाता है, पर कहानी लंबी होती गई। पुलिस ने भाजपा नेता का साथ दिया और पत्रकार पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। कुछ स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि बीते दिनों देवास के केला देवी चौराहे पर भाजपा नेता के झगड़े का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस सिलसिले में बीजेपी नेता विजेंद्र राणा केला देवी चौराहे के पास मीडिया के कार्यालय में दाखिल हुए और वहां पहुंचकर बदसुलूकी करने लगे। इस दौरान आईबीसी न्यूज चैनल के पत्रकार मोहनीश वर्मा भी वहीं मौजूद थे। आपको बता दें कि देवास में भाजपा नेता द्वारा पत्रकार को पीटने का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा नेता विजेंद्र राणा ने पत्रकार मोहनीश वर्मा से उसके ऑफिस में घुसकर मारपीट की थी। इसके बाद पत्रकार ने भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत तो दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस ने 1.5 घंटे में ही FIR बदल कर उल्टा पत्रकार पर ही SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पत्रकार को पीटे जाने और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का कांग्रेस नेता अरुण यादव ने विरोध किया। अरुण यादव ने शिवराज सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि शिवराज में लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम किया जा रहा है। अरुण सुभाष यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में अब पत्रकार साथी भी सुरक्षित नहीं है। आम जन पर भाजपा समर्थित गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं। देवास में मीडिया के साथी मोहनीश वर्मा के साथ भाजपा नेता ने मारपीट की और उल्टे पत्रकार साथी पर ही FIR दर्ज करवा दी। शिवराज में लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम हो रहा है। भाजपा नेता की इस हरकत के खिलाफ जब पत्रकार मोहनीश वर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पत्रकार द्वारा शिकायत दर्ज कराने के कुछ ही घंटों के अंदर पत्रकार पर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर पुलिस ने मोहनीश वर्मा के खिलाफ ये कार्रवाई की है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।